नमस्कार मित्रों, आज फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अपनी कुछ भावनाएं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ जो विगत पिछले कुछ दिनों से मेरे अंदर चल रहा था। कोविड 19 की वजह से आज भारत देश में जो लॉकडाउन चल रहा है, जो विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, इसका कैसे सामना किया जाए। हमारी सरकारों ने, हमारे और आपके प्रयासों से हमने इसे फैलने से काफ़ी हद तक रोक चुके हैं और काफ़ी हद तक रोका भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश की सरकार पर और आप पर कि आप इस महामारी को 21 दिनों के अंदर ही इस देश से निकाल फेंकेंगे। मित्रों, कुछ बातें सुनने में मुझे आ रही हैं जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हताश महसूस हुई है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। इस मुश्किल घड़ी में कई लोग जो अन्य प्रदेशों में हैं, अपने व्यापार को लेकर, अपनी सेवाओं को लेकर के, एक उदाहरण के तौर पे कुछ हार्वेस्टर वाले हैं जो हम किसान भाइयों की सेवा के लिए आज हमारे प्रदेश में आपके और मेरे बीच हमारी सेवा करने के लिए, हमारी उपज को सही सलामत हमारे घर पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। उन लोगों के साथ आज कई जगह बदसलूकी की जा रही है और कई जगह पर उन लोगों के द्वारा भी जनता के साथ कालाबाजारी की जा रही है। मित्रों, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे हार्वेस्टर अन्य प्रदेशों से यहाँ आ नहीं पाए हैं। हार्वेस्टर आ गए हैं तो उनके स्टाफ नहीं आ पाए हैं, इस वजह से किसान बेहद परेशान है। मैं सब हार्वेस्टर वालों का तो नाम नहीं लेता, पर कुछ हार्वेस्टर वाले इस मौके का नजायज फायदा उठाते हुए पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। यदि इस प्रकार के मामले आपके सामने आते हैं तो मुझसे संपर्क करें, किसी और व्यक्ति से संपर्क करें। और साथ ही में कई मामले ये भी सुनने को आ रहे हैं कि हार्वेस्टर वालों को राशन पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कई जगह उनको रहने में दिक्कत आ रही है। तो मित्रों, हमें उनका भी साथ देना है और उन्हें ये बात का गलत फायदा भी नहीं उठाने देना है कि आज हमारी मजबूरी है। मोदी जी ने पूरे देश में एक अपील की कल 5 अप्रैल रात 9 बजे हम सब अपने घर के दरवाजे पे, बालकनियों में, खिड़कियों में एक दिया जलाएं। मित्रों, दिए का महत्व वही समझ सकता है जो अपनी अपनी संस्कृति से जुड़ा हो, जो अपनी संस्कृति में आज भी विश्वास रखता हो, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संप्रदा। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संप्रदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। ये दीपक की ताकत है, ये आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को आपसे कोसों दूर करेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड में भारत की एकता, अखंडता पूरे विश्व को दिखाने का इससे अच्छा अवसर हमारे बीच में नहीं है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देता हूँ, नहीं देता हूँ, किसी पार्टी का कार्य करता हूँ, पदाधिकारी हूँ, ये बात अलग है। मैं उस पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपने नेता का प्रचार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय हर रोज अपने जीवन में न जाने कितनी बार ये सोच चुका होगा कि भारत को किस तरह वापस से हम विश्व गुरु बनाएंगे,
या भारत वापस से विश्वगुरु बन पाएगा कि नहीं, ये आपके और मेरे अंदर कहीं ना कहीं हर रोज ये सवाल आता होगा। इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है। हम 21 दिनों में यदि हम हमारे देश से कोरोना वायरस को बाहर भगा फेंकते हैं तो हमें विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, जिन लोगों की परीक्षाएं आगे बढ़ गई हैं वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, इस समय का और भी अच्छा सदुपयोग करें। ये समय उनको एक अवसर के रूप में मिला है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो देखें, समझें, महसूस करें। कई लोग जो पिछले कई सालों से बहाने बनाते थे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना वजन कैसे कम करूं, अपने आप को फिट करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। आपको अपने घर में रहना है, घर के जो देसी व्यायाम होते हैं आपको वो करना है, अपने आप को फिट रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ासकर तो मैं उन लोगों से ये विनती करता हूँ जो धर्म के नाम पर और अपनी जात के नाम पर जो अभी इतने दिनों से कुछ रोना रो रहे हैं, उन लोगों को एक छोटी सी विनती है मेरी उन लोगों से कि अपने अपने धर्म की गीता कुरान इन 21 दिनों में पढ़ लें। आप लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो आज मैं भी अपने परमपिता परमात्मा महादेव मेरे परम इष्ट पे विश्वास रखता हूँ। मैं पूरा जानता हूँ कि उनके होते हुए मुझे मेरे भारत देश में ये कोरोना वायरस जैसे कुछ नहीं आ सकता, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, परंतु मनुष्य को अपना कर्म करना पड़ेगा। भगवान भी ये कहते हैं कि कर्म करो तब जाके फल मिलेगा। केवल भगवान पे विश्वास रखने से आपको फल नहीं मिलेगा। आप लोगों से यही अनुरोध है कि प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का उल्लंघन ना करें। जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो अपने घर से बाहर ना जाएं, किसी व्यक्ति से मिले ना, 3 मीटर का दायरा, कम से कम 3 मीटर की दूरी आप उस व्यक्ति से रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, समय समय पे अपने हाथ धोएं, आँख मुंह चेहरे को कम से कम छूने की कोशिश करें, साफ़ सफाई रखें, घर में फिनाइल का पोछा करें। जिन लोगों के पास फिनाइल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो नीम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी अन्य पदार्थ बाजार में उपस्थित हैं। और साथ में मैं इस वीडियो के अंत में एक पोस्ट के नीचे अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की यदि किसी को सहायता मुझसे चाहिए हो, कोई मदद में किसी के काम आ सकूँ तो निसंकोच होकर के मुझे फ़ोन करें, मैं जैसी सेवा आपकी कर सकूँगा मैं अपना सौभाग्य मानूँगा उस बात को। मित्रों, काला बाजारी भी बाजार में हो रही है, यदि इस प्रकार की कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उसको सहन ना करें, कृपा करके प्रशासन को इससे अवगत कराएं ताकि इन चुनिंदा कुछ लोगों की वजह से जो आज पूरा एक समुदाय, एक बाजार, एक व्यापारी शब्द जो बदनाम हो रहा है वो बदनाम होने से रहे, साथ ही गरीबों को और आम जनता को जो तकलीफ इससे हो रही है वो बंद हो।